प्यारे बच्चों, आज हम लोग रिमझिम भाग 3 हिंदी के पाठ 10 क्यों जी मल और कैसे कैसलिया नामक पाठ में आए हुए भाषा एवं व्याकरण संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बच्चों, आगे चलते हैं। बच्चों, सबसे पहले पाठ में आए हुए शब्द और उनके अर्थ। पहला शब्द है मौका। मौका का अर्थ होता है अवसर। मुलाकात। मुलाकात का अर्थ होता है मिलना। भूले भटके। भूले भटके का अर्थ होता है रास्ता भूल जाना। समाना का मतलब होता है कोई चीज पीसना। सानना। सानना का अर्थ होता है बच्चों गूंदना। परात को कहते हैं थाल। आप सभी लोग जानते हैं, आप घरों में परात है और आप जानते भी हैं। फुर। फुर का मतलब होता है जल्दी से। आगे बच्चों वचन बदल कर लिखो। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको एक वचन से बहुवचन में लिखना है। पहला शब्द है बात। बात का बहुवचन होगा बातें। थैला का थैले। गाड़ी का गाड़ियां। रोटी। रोटी का होगा बच्चों रोटियां। तवा तवे। चक्की चक्कियां। साइकिल साइकिलें। बच्चों इस प्रकार से एक वचन से बहुवचन हमने आपको बता दिया। इसी प्रकार से आप और शब्दों को जोड़ सकते हैं। अगला शीर्षक है बच्चों विलोम शब्द। पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनका विलोम। आइए, पहला शब्द है बंद। बंद का विलोम होता बच्चों खुला। इसी प्रकार शुरू का अंत। दोस्त का दुश्मन। गुरु का शिष्य। कम का अधिक। जवाब का सवाल। एक का अनेक। बच्चों आगे नीचे लिखे वाक्यों में नीले शब्दों का विलोम बदल कर दोबारा लिखना है। पहला, रमेश मेरा दोस्त है। बच्चों इस वाक्य में दोस्त नीले रंग से लिखा है। इसका विलोम शब्द बनाएंगे और वाक्य को दोबारा लिखेंगे तो बन जाएगा रमेश मेरा दुश्मन है। आगे, यह मिठाई बहुत अच्छी है। अच्छी का होगा खराब। वाक्य को दोबारा बनाएंगे, यह मिठाई बहुत खराब है। थर्ड, बाजार बंद है। बंद शब्द का अर्थ होता विलोम होगा खुला। वाक्य दोबारा लिखेंगे बाजार खुला है। आगे, गिलास में थोड़ा पानी है। बच्चों थोड़ा का विलोम होता है अधिक। दोबारा वाक्य बनाएंगे गिलास में अधिक पानी है। आगे, बस धीरे चल रही है। बच्चों धीरे का विलोम शब्द होगा तेज। वाक्य को दोबारा लिखेंगे बस तेज चल रही है। लास्ट, चिड़िया पेड़ के ऊपर है। तो ऊपर का हो जाएगा बच्चों विलोम शब्द नीचे। वाक्य को दोबारा हम लिखेंगे चिड़िया पेड़ के नीचे है। बच्चों इस प्रकार से हमने शब्दों का विलोम बदल करके वाक्य को पुनः लिख करके आपको अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से आप भी अपनी इच्छा अनुसार कुछ शब्दों को जोड़ सकते हैं। आगे बच्चों, क्रिया की पहचान। बच्चों काम करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, बोलना, लिखना, पढ़ना इत्यादि। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को
छांट कर लिखो। पहला, मीना बाजार जाती है। सेकेंड, घोड़ा दौड़ रहा है। थर्ड, माँ रोटी बना रही है। फोर्थ, बच्चा रो रहा है। लास्ट, महक पड़ रही है। तो बच्चों, इन पांचों वाक्यों में क्रिया शब्द को छांटना है और उसको नीचे लिखना है। तो हम देखते हैं, मीना बाजार जाती है में हो जाएगा क्रिया जाती, माने जाती है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो क्रिया हो जाएगी दौड़ रहा है। माँ रोटी बना रही है में क्रिया हो जाएगी रोटी बना रही है में बच्चों होगा बना रही है। बच्चा रो रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है, तो क्रिया हो जाएगी रो रहा है। महक पढ़ रही है, इस वाक्य में देखेंगे कि महक क्या कर रही है, क्या कार्य कर रही है, तो वो पढ़ रही है, तो हमारी क्रिया हो जाएगी पढ़ रही है। बच्चों, इस प्रकार से हमने आपको क्रिया की पहचान वाक्यों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। बच्चों, आगे नीचे लिखे शब्दों में सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। शब्द हैं बाजार, चक्की, क्योंजीमल, साइकिल, फुर। आइए देखते हैं। पहला, गुरुजी डांट जा रहे हैं। बच्चों, इस कहानी से आपको पता चल गया होगा गुरुजी कहाँ जा रहे थे, तो गुरुजी बाजार जा रहे थे, यहाँ पर बाजार शब्द भरा जाएगा। सेकेंड, गुरुजी गेहूं पिसवाने डांट पर जा रहे थे। तो बच्चों, गुरुजी कहाँ जा रहे थे, गेहूं पिसवाने चक्की पर, वाक्य बन जाएगा गुरुजी गेहूं पिसवाने चक्की पर जा रहे थे। थर्ड, डांट ने कहा कैसे कैसे कैसे, बच्चों यहाँ पर भरा जाएगा क्योंजी मल, क्योंजी मल ने कहा कैसे कैसे कैसे। फोर्थ, गुरुजी को शिवदास ने डांट दी। तो बच्चों, आपको मालूम है यहाँ क्या भरा जाएगा, गुरुजी को शिवदास ने साइकिल दी, तो यहाँ पर साइकिल शब्द भरा जाएगा और वाक्य पूरा हो जाएगा। पांचवा, गुरुजी साइकिल पर सवार होकर हो गए। तो बच्चों, यहाँ पर फुर शब्द भरा जाएगा, वाक्य को दोबारा पढ़ेंगे, गुरुजी साइकिल पर सवार होकर फुर हो गए। इस प्रकार से बच्चों, आपको हमने रिक्त स्थान और वाक्य बनाना सिखा दिया। आगे बच्चों, शीर्षक है यातायात के साधन, क्योंकि इस पाठ में आपको यातायात के साधनों से परिचित कराना आवश्यक है, इसलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। बच्चों, चित्र को देखिए, यह क्या है, ट्रक, बस, जीप। तो बच्चों, आप चित्र को देख करके अवलोकन करिए और उत्तर की जगह पर लिखिए। ये क्या है, बच्चों चित्र को देखिए, रेलगाड़ी, बस, कार, आप पहचान गए होंगे, उत्तर के आगे आप इसे लिखिए। बच्चों, ये क्या है, चित्र को देखिए, साइकिल, रेलगाड़ी, जहाज। बच्चों, चित्र को देख करके आप इसका नाम लिखें। बच्चों, ये क्या है, चित्र को पहचानिए, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, हेलीकॉप्टर। बच्चों, जो भी है इसका नाम नीचे उत्तर लिख करके आप लिखेंगे। यहाँ पर उत्तर लिखना भूल गया हूँ मैं, तो आप उत्तर लिख करके इसका नाम लिखेंगे। बच्चों, चित्र को देखिए, ये क्या है, ऑटो, रिक्शा, स्कूटर। तो जो भी है उसका नाम आप नीचे लिखें। बच्चों, चित्र को देखकर बताइए, ये क्या है, बाइक, स्कूटर, बस। निश्चित तौर पर आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसका नाम भी जानते हैं, आप इसका नाम नीचे लिखें। बच्चों, देखिए, ये क्या है, चित्र को देखिए ध्यानपूर्वक, जहाज, नाव, स्टीमर।
निश्चित तौर पर आप इसको जानते हैं और इसमें आप सवार भी हुए होंगे, आप इसका नाम लिखें। बच्चों यहाँ पर हमने 5-6 वाक्य दिया है और कुछ ऊपर शब्द दिए हैं। उचित संज्ञा शब्दों को छांटकर वाक्य को भरना है। तो बच्चों पहला मैं आपको बता देता हूँ, पेड़ पर चहचहा रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप इसको पूरा करेंगे। आगे विलोम शब्द लिखें बच्चों आपके दाहिने साइड पर। देखिए दिन, ईमानदार, सच्चा, पुरस्कार, महंगा, सर्दी, इनको आपको सही स्थान पर भरना है। जैसे दिन का रात, इसी प्रकार से आगे आप समझ गए होंगे और ये कार्य आप खुद करेंगे। बच्चों सही वाक्य के सामने सही का और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाओ। पहला, क्यों जी बल हर बात पर क्या 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 कहता था। बच्चों ये वाक्य सही है, हम सही का निशान लगाएंगे। सेकंड, क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया, दोनों दोस्त थे। बच्चों निश्चित तौर पर वे दोनों दोस्त थे और ये वाक्य भी सही है। गुरुजी साइकिल पर घूमने जा रहे थे। बच्चों आपको मालूम होगा गुरुजी साइकिल पर गेहूं पिसवाने जा रहे थे, इसलिए घूमने नहीं जा रहे थे और ये वाक्य गलत है। आटे से रोटी बनती है। बच्चों निश्चित तौर पर आटे से ही रोटी बनती है क्योंकि हम लोग खाते हैं प्रतिदिन, जानते हैं, तो यह वाक्य सही है। अंतिम, गुरुजी चक्की पर चावल लेने जा रहे थे। बच्चों आपको मालूम है गुरुजी चक्की पर आटा लेने जा रहे थे, इसलिए यह वाक्य गलत है। बच्चों आगे देखते हैं पर्यायवाची शब्द। बच्चों पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके समानार्थी शब्द बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक देखें। दोस्त, दोस्त के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं मित्र, सखा, गुरु के ज्ञानी, पंडित, पानी के जल, नीर, आग के अनिल, पावक, हाथ के कर, पाणी, और रोटी के चपाती या फुल्का। बच्चों इस प्रकार से हमने आपको पर्यायवाची या समानार्थी शब्द बताने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे बच्चों पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द एक ही होते हैं, आप परेशान मत हों। हम आटा पिसवाने के लिए आटा चक्की पर जाते हैं। बताओ नीचे लिखे कामों के लिए हम कहाँ जाते हैं। आटा खरीदने दुकान में जाते हैं। पंचर बनवाने साइकिल की दुकान पर जाते हैं। दूध खरीदने डेयरी में या ग्वाला के पास जाते हैं। जूता बनवाने मोची के पास जाते हैं। मटका खरीदने कुम्हार के पास जाते हैं। बाल कटवाने नाई की दुकान पर जाते हैं। और कॉपी खरीदने पुस्तक की दुकान पर जाते हैं। बच्चों इसको निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे। बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बच्चों आज इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।